फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज जब भी कोई स्टूडेंट टेस्ट बुक करने जाता है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है और वो ये ज़रूर पूछता है कि सर अगर मैं 15 जैन का देखूं तो लॉकडाउन तो नहीं होगा। आई डोंट नो कि ये चीज़ कहाँ से आपके माइंड में आई है, बट मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जब तक वोटिंग नहीं होती, यानी कि जब तक जैसे 2022 में वोटिंग स्टार्ट नहीं होती तब तक कोई लॉकडाउन नहीं होता, क्योंकि उसमें इन्होंने रैलीज वगैरह निकालनी होती हैं, आपको भी पता है, दैट्स वाई। एंड अभी तक IDP की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल मेल नहीं आया है रिगार्डिंग द लॉकडाउन, रिगार्डिंग द एग्ज़ाम कैंसिलेशन। ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स डिले होते हैं क्योंकि दिल्ली में रिसेंटली लॉकडाउन था, किसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से। अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल मेल या फिर ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया कि लॉकडाउन होगा या टेस्ट कैंसिल होंगे, एटलीस्ट जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक तो नहीं आता, उसके बाद हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी आता है आई विल डेफिनेटली अपलोड, बट ऐसा नहीं होगा, 90% चांसेस ये हैं कि अभी ऐसा नहीं होगा। सीधी सी बात ये है, IDP को अपने बिजनेस तक मतलब है, वो बस ये बोल देती है कि हाँ भाई ये वाला टेस्ट स्लॉट खाली है, आप बुक कर सकते हो, और आप बुक कर देते हो 2-3 दिन पहले वो पोस्टपोन कर देती है एग्जाम। तो वोटिंग के पहले पहले जब आप दे रहे हो तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐसी अपडेट आएगी आई विल लेट यू नो।